हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल टॉप 10 पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 10 ऐसी बेस्ट भैंसों की लिस्ट जो कि सबसे ज़्यादा दूध देने में सक्षम हैं और वो आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत विश्व में भैंसों की सबसे अधिक आबादी वाला देश है और देश की एक बड़ी आबादी भैंस पालने में ज़्यादा जागरूक है दोस्तों। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भैंसें भारत में कितने प्रकार की पाई जाती हैं और कौन भैंस कितना दूध देती है। तो इसीलिए दोस्तों, ये टॉप 10 की लिस्ट आपके लिए बनाई गई है। उम्मीद करते हैं इस टॉप 10 की लिस्ट से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें भी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम हर रोज आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पे आपकी आजादी है नागपुरी भैंस। भैंस की इस नस्ल को एलएचपुरी या फिर बरारी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह महाराष्ट्र के नागपुर के अकोला और अमरावती जिले में पाई जाती है। इनकी सिंध सींगे जो होती हैं वो तलवार की तरह लंबी होती हैं, जिनसे इनकी पहचान करने में आसानी हो जाती है। इनके जो नर भैंसों जो होते हैं वो दोस्तों आपके काफ़ी सारे भारी कामों में इस्तेमाल आ जाएंगे। आप जैसे कि कुछ भी भारी सामान ढोने के लिए या फिर बुवाई वगैरह के लिए खेत में भी काम आते हैं। तो दोस्तों, इनका जो औसतन जो उत्पादन है दोस्तों 700 से लेकर 1200 किलोग्राम प्रति व्याह होता है, जो कि अनुमान लगाया जाता है ऐसा औसतन ये देती हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 9 की। तो दोस्तों, नंबर 9 पर आपकी कालाखंडी भैंस। दोस्तों, यह नस्ल उड़ीसा के गाजापति, गंजाम, रायगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इस नस्ल की भैंसों का रंग काला भूरा होता है, माथे का आकार चपटा और माथे पर सुनहरे बाल होते हैं। इनकी औसत उत्पादन जो क्षमता होती है वो 700 से लेकर 800 किलोग्राम प्रति व्याह होती है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 पे आपका आ जाता है भदावरी भैंस। दोस्तों, यह नस्ल उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है। इनके सिर का आकार छोटा और पैर भी छोटे छोटे होते हैं। इस नस्ल के खुर का रंग काला और गर्दन के नीचे सफ़ेद दो मतलब कि छोटे छोटे से छत्ते से होते हैं, निशान पड़े हुए होते हैं, जिनसे इनकी पहचान करने में आसानी हो जाती है। इनकी जो औसत उत्पादन दूध की जो होती है दोस्तों वो 1250 से लेकर 1300 किलोग्राम होती है। वहीं बात करें नंबर 7 की। तो नंबर 7 पे आपका तोड़ा भैंस। जी हाँ दोस्तों, भैंस की इस नस्ल का नाम तोड़ा आदिवासियों के नाम पर रखा गया है। यह नस्ल तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इनके सिर पर काफ़ी मोटा बालकोट पाया जाता है। इनकी औसत उत्पादन क्षमता प्रति व्याह 500 से 600 किलोग्राम होती है और इनके दूध में जो फैट की जो मात्रा होती है यानी कि वसा की जो मात्रा होती है वो 8% होती है। वहीं दोस्तों, नंबर 6 पे अगर आते हैं तो नंबर 6 पे आपकी आ जाती है चिल्का भैंस। जी हाँ दोस्तों, यह भैंस उड़ीसा, कटक, गंजम, पुरी और खुर्दा जिले में पाई जाती है। इनका नाम उड़ीसा के चिल्का के झील के नाम पर पड़ा है, जो इस भैंस को देसी नाम से भी जाना जाता है। यह खारे क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसका भूरा काला या काला भी होता है, जो इसका कलर जो होता है ये दो में अवेलेबल होती है दोस्तों, भूरा काला और काले में। मध्यम आकार की इस भैंस का और जो औसतन उत्पादन होता है वो दोस्तों 500 से 600 किलोग्राम प्रति व्याह होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पे आपका आ जाता है पंढरपुरी भैंस। जी हाँ दोस्तों, यह नस्ल महाराष्ट्र के सोलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी जैसे जिलों में यह पाई जाती है। इसका नाम सोलापुरी के पंढरपुर गांव के नाम से पड़ा है दोस्तों। इसकी सिंग काफ़ी लंबी, करीब 45 से 50 सेंटीमीटर तक होती हैं, जिससे इनकी पहचान बहुत आसानी से करी जा सकती है। यह गहरे और काले रंग की भैंसें होती हैं। कुछ पंढरपुरी भैंसों के सिर और सफ़ेद निशान भी होता है, जो सिर के बीच साइड में हल्का सफ़ेद निशान होता है। इनकी प्रजनन क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, हर वर्ष इनका व्यात होता है। इसकी जो औसतन उत्पादन क्षमता है वो दोस्तों 1700 से लेकर 1800 किलोग्राम प्रति व्यात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे आपका मेहसाना भैंस। दोस्तों, भैंस की यह नस्ल गुजरात के मेहसाणा जिले और गुजरात से लगे महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका रंग ज़्यादातर काला ही होता है, कुछ पशुओं का रंग काला भूरा भी होता है। ये नस्ल कुछ कुछ मुर्रा भैंस की तरह दिखती है, लेकिन इसका शरीर मुर्रा भैंस की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वजन उससे कम होता है। दोस्तों, इस भैंस का वजन लगभग 540 ग्राम से लेकर तकरीबन 650 किलोग्राम तक होता है और जो इसके मादा का जो वजन होता है वो दोस्तों 480 किलोग्राम के आसपास होता है। सिंह आमतौर पर दरांती से आकार के होते हैं, जैसे दरांती आपकी होती है
उस आकार के इसके सिंह होते हैं वो मुर्रा भैंसों से कम घूमी हुई रहती है। इसका औसत उत्पादन 1200 से 1500 किलोग्राम प्रति व्यात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर तीन की। तो नंबर तीन पर आपकी जाफराबादी भैंस। जी हाँ दोस्तों, यह है देश की सबसे भारी नस्लों में से एक भैंस मानी जाती है। यह मूल रूप से गुजरात के गिर के जंगलों में पाई जाती है, लेकिन अब इसका पालन कच्छ और जामनगर जिले में भी होता है। इसका सिर और गर्दन का आकार भारी होता है, इसके माथा काफी चौड़ा होता है, सिंह का आकार काफी बड़ा और पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इसका रंग गहरा काला होता है। इसका औसत जो उत्पादन है दोस्तों वह 1000 से लेकर 1200 प्रति व्याह लीटर है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर दो पे। तो नंबर दो पे आपकी सुरती भैंस। जी हाँ दोस्तों, इसे सुरती भी बोला जाता है। भैंस की यह नस्ल गुजरात के खेड़ा और बड़ौदा में यह नस्ल पाई जाती है। इसका रंग भूरे से सिल्वर स्लेटी काले या भूरे रंग का होता है। मध्यम आकार का नुकीला धड़, लंबा सिर और दरांती के आकार की सिंह होती हैं, जिससे इसकी पहचान करी जा सकती है। दोस्तों इसकी औसतन जो उत्पादन क्षमता होती है वो 900 से लेकर 1300 लीटर प्रति व्याह होती है। इसके दूध में जो फैट की जो मात्रा होती है, यानी वसा की जो मात्रा होती है, वो 8% से लेकर 12% के बीच की होती है। जी दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों नंबर वन पे। दोस्तों नंबर वन पे आपका आ जाता है मुर्रा भैंस। जी हाँ दोस्तों, जब भी भैंसों की नस्लों की बात आती है सबसे पहले मुर्रा भैंस का ही नाम आता है। दोस्तों ये सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल वाली भैंस। दोस्तों वैसे तो मुर्रा भैंस की नस्ल हरियाणा के रोहतक, हिसार व जिंद और पंजाब के नाभा व पटियाला जिले में पाई जाती है, लेकिन अब तो कई राज्यों के पशु पालक मुर्रा भैंसों को भी पालने लगे हैं। दोस्तों इसका रंग गहरा काला होता है और खुर और पूंछ निचले हिस्से पर सफ़ेद धब्बा पाया जाता है, जिससे इसकी बहुत आसानी से पहचान कर लेते हैं। दोस्तों इसकी मुड़ी हुई छोटी सींगें होती हैं। इसकी औसत उत्पादन क्षमता 1750 से लेकर 1850 लीटर प्रति व्याह होती है। इसके दूध में जो फैट की मात्रा होती है वो लगभग 9% अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थी ऐसी टॉप 10 भैंसों की लिस्ट। उम्मीद करते हैं आप